हार करीब देख बौखलाए, डेविड वार्नर अंपायर पर हो गए आग बबूला, अंपायर से भिड़कर तोड़ा आईपीएल का नियम, अब गिर सकती है गाज। डेविड वार्नर को अब दिल्ली की कप्तानी से भी धोना पड़ सकता है हाथ। रोमांचक मुकाबले में डेविड वार्नर एंड कंपनी ने सनराइजर्स हैदराबाद को राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए आईपीएल के 34वें मुकाबले में 7 रनों से करारी शिकस्त दी। इस मैच में कप्तान डेविड वार्नर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली की टीम ने मार्करम एंड कंपनी के सामने 145 रनों का आसान सिलेक्शन रखा। जवाब में हैदराबाद की टीम 6 विकेट के नुकसान पर 137 रनों पर ढेर हो गई और मुकाबला हार गई। लेकिन इस बीच मैच में एक ऐसा वाक्य हुआ जिसने क्रिकेट को शर्मसार करके रख दिया, जिसका एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में डेविड वार्नर अंपायर से झगड़े पर उतारू है, वहीं वह कैमरे पर कुछ अपशब्दों का प्रयोग भी करते हुए कैद हुए हैं, जिसका अंदाजा आप वायरल हो रहे इस वीडियो में लगा सकते हैं। दरअसल पारी का 20वां ओवर फेंका जाना था। इस दौरान अंपायर ने डेविड वार्नर से कहा, आप समय के अनुसार एक ओवर पीछे गेंदबाजी कर रहे हैं और आपको एक खिलाड़ी यानी 5 खिलाड़ी 30 गज के दायरे में लेने होंगे। बस अंपायर के इतना कहते ही डेविड वार्नर आग बबूला हो गई। मिड ऑफ से आते हुए वह बहुत ज्यादा गुस्से में दिखाई दी। बस फिर क्या था, वो आते ही अंपायर पर चढ़ गए और उनसे बहस करने लगे। बहस काफी देर तक लंबी चली और इस दौरान अंपायर उन्हें समझाते हुए भी नजर आए। हालांकि डेविड वार्नर को अंपायर की बात माननी पड़ी और उन्हें 20वें ओवर में एक खिलाड़ी यानी 5 खिलाड़ी गोले में लेने पड़े, जिसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। दिल्ली कैपिटल्स अपना सीजन का 7वां मुकाबला खेलने के लिए मैदान पर उतरी थी, जहां उसे दूसरी लगातार जीत भी नसीब हुई। वार्नर की टीम ने 5 मैच लगातार हारने के बाद दूसरी लगातार जीत हासिल कर ली है। इस जीत में सबसे बड़ा श्रेय दिल्ली कैपिटल्स के हरपन मोला खिलाड़ी और इस टीम के उपकप्तान अक्षर पटेल को जाता है, जिन्होंने अपने बल्ले और गेंद दोनों से ऑलराउंडर प्रदर्शन किया। इसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से भी नवाजा गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली का कोई भी बल्लेबाज शानदार पारी नहीं खेल सका। मिशेल मार्श ने शुरुआत तो अच्छी की, लेकिन वह 25 रन बनाकर टी नटराजन का शिकार हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए सरफराज खान ने 10 रन बनाए और पवेलियन लौट गए। वहीं कप्तान डेविड वार्नर का इस मैच में कोई जादू नहीं चल सका और उन्होंने सिर्फ 21 रन बनाए। वहीं अक्षर पटेल और मनीष पांडे की पारी की बदौलत हैदराबाद के सामने निर्धारित 20 ओवरों में 145 रनों का लक्ष्य रखा, जिसके बाद हैदराबाद की टीम 6 विकेट के नुकसान पर 137 रन ही बना सकी और दिल्ली ने यह मुकाबला 7 रनों से अपने नाम कर लिया। तो आप भी इस वीडियो पर अपनी राय दीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।